सो नेक्स्ट टॉपिक इन पास्ट टेंस दैट इज पास्ट कंटिन्यूस टेंस सेम एज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. वेरी सिंपल बेटा. जहां हम सब्जेक्ट प्लस इज एम आर यूज किया था हमने प्रेजेंट में, वहीं पास्ट में हम क्या यूज करेंगे, वॉज और वर. वॉज करेंगे सिंगुलर के साथ और वर करेंगे प्लूरल के साथ. आगे सेम, बिल्कुल सेम होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट. सेम है ना बेटा. तो पास्ट कंटिन्यूस की एक्सरसाइज देखो, हम करके देखते हैं इसको. एक्सरसाइज 50 इतनी इजी लगेगी ना बेटे, आप जब टेंसेस का रूल सीख जाओगे ना तो द टेंसेस आर वेरी 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 इजी. ठीक है, तो देखोगे आप. तो फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट कंटिन्यूस टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स. तो आपको क्या करना है, वॉज और वर का यूज करना है. सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर, और जो ही आपको वर्ब दी हुई है उसके साथ क्या यूज कर देंगे, आई एन जी. द टीचर वॉज टीचिंग द पोएम. द टीचर सिंगुलर है, वॉज, और जो वर्ब दी हुई थी टीच उसके साथ क्या यूज कर दिया, आई एन जी. द मैन सिंगुलर है, वॉज, और जो राइट. जी बेटा ये देखो ई और आई इकट्ठा नहीं आता तो ई को हम हटाएंगे और क्या लगा देंगे, आई एन जी. नेक्स्ट वन इज मैनी पीपल. मैनी यानी बहुत सारे, तो हम क्या लगाएंगे, वर्ब, प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. एंड वर्ब क्या दी हुई है हमें, डू, और डू के साथ आई एन जी, मीन्स मैनी पीपल वर डूइंग योगिक एक्सरसाइज. ओके, तो यू हैव टू डू दीज एक्सरसाइज ऑन योर बुक्स. नेक्स्ट इज प्रेजेंट पास्ट, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस. तो पास्ट परफेक्ट टेंस जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में था कि the tense that has been done, the work that has been done in the, that has been just completed, that is here we used present perfect tense. और जो काम past में हुआ है, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, past perfect tense. इसका example, इसका rule क्या है बेटे, subject plus. अब मैं आपको साथ साथ present भी करवा रही हूँ. तो present perfect tense में क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव था. हैज सिंगुलर के साथ यूज करते थे, हैव प्लूरल के साथ, और वही वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, ऑब्जेक्ट भी था. तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, है ना. तो देखो हैज हैव की जगह यहाँ क्या आ गया, हैड, और बाकी सारा सेम. तो इसके एग्जाम्पल क्या है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम. इसमें क्या लगता है, हैड और वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल का क्या मीनिंग होता है बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म. द बेल हैड गोन बिफोर आई रीच द स्कूल. बेल बज चुकी थी जब मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, रोगी मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले, तो ये काम उसका पहले ही हो चुका, पास्ट में ही हो चुका. द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच द स्टेशन. ट्रेन पहुंच चुकी थी जब, पहले ही आ गई थी जब मैं स्टेशन पर पहुंचा. ठीक है, तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस. एंड अकॉर्डिंग टू दिस योर You have to do exercise number 51. You all are very intelligent बच्चे. तो अब हमने करना है past perfect tense. तो आपको सबको पता है कि हमने इसमें had use करना है, हमें इसमें has और have में भी choice नहीं करनी, हमने सिर्फ had use करना है and then verb की third form. और उसमें मैंने आपको clear किया था ना कि ये देखो never या already अगर दिया हुआ है तो हम ये just had के बाद लगाएंगे. जैसे I dash such a lovely sight before, तो पहले हैड लगाएंगे, देन नेवर और सी की थर्ड फॉर्म सीन. इसी तरह से वी डैश द एक्सरसाइज, तो वी हैड, हैड लगाएंगे पास्ट परफेक्ट में, और ऑलरेडी अटेम्प्ट की अटेम्प्टेड, वी हैव, वी हैड ऑलरेडी अटेम्प्टेड. जस्ट आपको हैड लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म. अगर हैड के और वर्ब के अलावा कोई आपको यहाँ वर्ड दिया हो, जैसे यहाँ जस्ट दिया हो, तो जस्ट गोन, हैड जस्ट गोन. ठीक है, तो दिस इज अबाउट द पास्ट टेंस. तो प्रेजेंट भी हो गया हमारा अगेन से और पास्ट भी हो गया. सो यू हैव टू डू द एक्सरसाइजेस अप टू 51.